अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर आजकल लोग के साथ तो आज का हम लोग बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। मेरे लिए आज बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है क्योंकि आप सब दोस्तों को पता है कि मेरे YouTube की जो इनकम है फर्स्ट वो आ चुकी है और मैंने सोचा है कि फर्स्ट इनकम से हम लैपटॉप बाई करेंगे। ठीक है, तो कौन सा लैपटॉप बाई करूँगा, कहाँ से करूँगा, कैसे करूँगा, ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊँगा। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, YouTube की पेमेंट का मैं तकरीबन 4 से 5 दिन वेट करता था कि पेमेंट आए और मैं लैपटॉप बाय करूं, क्योंकि मेरा पहले ही प्लान था कि मैंने YouTube की पेमेंट से लैपटॉप बाय करना, क्योंकि मुझे पता तो था कि कितने इसकी जो अमाउंट है वो बनती है और लैपटॉप अच्छा खासा मुझे मिल जाएगा। खैर, जैसे मेरी पेमेंट आई अगले दिन मैंने सोचा कि आज ही चलते हैं, हालांकि रमज़ान का महीना, ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद नहीं जाऊँगा क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम वगैरह होते हैं। मैंने अपने जो सर हैं अर्शद शीतूर साहब और उनके पास गया, मैंने उनको बोला कि मैंने लैपटॉप लेना है, तो हमने अपने शहर से पता किया तो लैपटॉप की जो कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा वो बढ़ गई थी। तो सर वो कहते हैं कि चले उधर चलते हैं, लाहौर चलते हैं, ठीक है, वहाँ जो हारून मार्केट है ना वहाँ से जाकर लैपटॉप बाई करते हैं। अच्छा, मैंने सर को बोला कि सर हम बाइक पर चलते हैं, तो सर कहते हैं कि नहीं वैसे लोकल चलते हैं क्योंकि रोज़ा भी है तो सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा दूर का, तो लोकल ठीक रहेगा। हम तकरीबन गए हैं और यादगार उतरे हैं, वहाँ से हमने एक रिक्शा पकड़ा और लाहौर को साथ साथ सर वीडियो कॉल पर भी किसी को दिखा रहे थे जो उनके फ्रेंड थे, और वैसे भी हम देखते गए, इन्जॉय करते गए, ठीक है, और हम चले गए सीधा हार रोड। उसका एक टाइम लैप्स है, वो पहले आप देखें फिर आगे बात करें। अच्छा जी, अब हम आगे लाहौर हार रोड में। अब जैसे ही हम हार रोड में एंटर हुए हैं बहुत ज़्यादा रश, बंदे के साथ बंदा अटैच हो रहा है, ठीक है, और आपको एक बात बता दूं कि जब कोई बंदा जो लाहौर का ना हो वो लाहौर जब जाए तो अपनी पॉकेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा, मैंने जो सेल था वो हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ था, मेरी आदत है सेल मैं यूज़ करता रहता हूँ सफ़र में, तो वहाँ हर कोई बंदा कह जी आपने सेल सेल करना है, ये करना है, वो करना है, सर कहते हैं इसे पॉकेट में डाल लो, वो ना आगे छीन कर ले जाए। मैंने सेल अपना पॉकेट में डाल लिया और जो पॉकेट्स वगैरह थे उनको अच्छी तरह मिलकर नज़र में रखा कि बंदा हेरा फेरी ना करे। अच्छा, खैर, हम लैपटॉप की जो हार रोड में मार्केट है वहाँ चले गए और एक दुकान पर गए, वहाँ लैपटॉप वगैरह देखे, उनके रेट्स पूछे तो रेट बहुत ज़्यादा थे, तो लेकिन हमारे शहर से तकरीबन कि 10-15 हज़ार रुपये का डिफरेंस था, मतलब कि कीमत में, ठीक है, हमारे जो कामों की शहर है वहाँ 10-15 हज़ार लैपटॉप महंगा मिल रहा था हार रोड के मुनासिब, ठीक है। तो जनाब, हमने एक शॉप वो में दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऐसे कि 10-15 हमने जो शॉप्स हैं वो विजिट करते रहे, वहाँ गए लैपटॉप वगैरह चेक करते रहे, लेकिन कीमतें बहुत ज़्यादा थी और जो मुझे मशीन चाहिए थी मतलब कि काम के हिसाब से, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ, वीडियो एडिटर भी हूँ, तो मुझे एक अच्छा लैपटॉप चाहिए था और उसकी जो कीमत थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा, बात ये कि आपने कभी भी कोई भी चीज़ बाई करनी हो तो घूम फिर के वो चीज़ खरीदा करें, क्योंकि ये हर जो दुकानदार होते हैं उनके जो रेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो जहाँ कोई बंदा फंस जाए वहाँ वो फंसा लेते हैं। अच्छा, जब हमने सारी मार्केट घूम फिर ली तो अफ्तारी का टाइम करीब आ गया था, तो मैंने सोचा कि वो ना हो कि हम खाली आते ही वापस चले जाएँ, ठीक है, तो जो लैपटॉप हमारी समझ में था, ठीक है, मुनासिब कीमत में, तो मैंने सर को बोला कि हम वहीं चलते हैं, ठीक है, उसका जो लैपटॉप का डिस्प्ले भी अच्छा है और वैसे भी लैपटॉप की जो कंडीशन वो अच्छी है तो वो ही बाई कर लेते हैं। खैर, हम वो उसी शॉप पर गए, ठीक है, हमसे थोड़ी बहुत बहस हमने की और लैपटॉप वो बाई कर लिया, और उसके बाद हमने जैसे लैपटॉप बाई किया फिर जो मैंने अपना लैपटॉप का बैग था वो खरीदना था, क्योंकि जारी सी बात है हाथ में तो ना लेकर आना, तो लैपटॉप का बैग बाई किया, तकरीबन 1500 रुपये का जो बैग मिला था मुझे लैपटॉप का, ठीक है, उसमें फॉर्म वगैरह अंदर लगा होता है कि लैपटॉप गिर भी जाए तो इतना मसला नहीं बनता। क्या वहाँ से हम निकले और फिर हम दाता साहब आए, दाता साहब क्या कहते हैं कि अफ्तारी की, ठीक है, अफ्तारी करने के बाद फिर हम बैठे हैं मेट्रो में और मेट्रो का जो सफ़र था वो बहुत ज़्यादा अच्छा सफ़र होता है, ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ अपना जो फासला वो तय कर लेते हैं, फिर हम शादरा से वहाँ बैठे और घर आ गए। अच्छा, बात करते हैं कि लैपटॉप कौन सा खरीदना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपको नहीं पता
तो अपने जो आपका कोई सीनियर है ठीक है, जो आपकी फील्ड में काम कर रहा है, उससे पूछ ले कि यार मुझे लैपटॉप कौन सा बाय करना चाहिए या सिस्टम कौन सा खरीदना चाहिए, ठीक है। वो आपको बता देगा कि आपने i3, i4, i5 तकरीबन आजकल जो लोग काम करते हैं ना, प्रोफेशनल वर्क करते हैं, वीडियो एडिटिंग का हो गया, फ्रीलांसिंग का हो गया, वो i5, 6 या 7 बाय करते हैं, ठीक है, अपने बजट के हिसाब से। मतलब बजट का भी पता हो कि हमारा बजट इतना है, और लैपटॉप का भी पता हो कि हमें लैपटॉप कौन सा चाहिए, उसमें रैम कितनी होनी चाहिए, ग्राफिक कार्ड लगा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तकरीबन टोटली आपको वो एक पेज पर वो लिख कर ले जाएं और मार्केट में जाकर उस बंदे को कह दें जी ये लैपटॉप हमने बाई करना है, इसके हमें प्राइस बता दें और रेट की बहस वगैरह करके, शॉप्स वगैरह घूमकर विजिट करके, ठीक है, अच्छी तरह से। जब आपको रेट्स का पता चल जाए कि जी ये चीज़ मुझे इतने में मिलेगी, फिर जाकर बाई करें और तसल्ली के साथ बाई करें। इस पर मैं एक वीडियो मुकम्मल बनाऊंगा कि जो मार्केट वाले हैं वो कैसे स्कैम करते हैं, ठीक है। आपने अच्छी तरह से वो चीज़ जो होती है वो आपने चेक कर लेनी होती है, कोई स्क्रैचेस वगैरह ना हो, कोई स्क्रीन डैमेज ना हो, ठीक है, कीज वगैरह जो लैपटॉप की होती है वो आपने अच्छी तरह से चेक कर लेनी होती है, ठीक है। क्योंकि जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं फर्स्ट टाइम, वो आपके साथ ऐसे बोलते हैं कि जैसे आपका कोई रिश्तेदार हो, ठीक है, और जबकि मसले में सेल बन जाता है लैपटॉप में, ठीक है, जब आप वापस जाते हैं तो फिर वो ऐसे आपको बढ़ते हैं जैसे कोई, मैं मिसाल नहीं देना चाहता, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने स्कैम से बचना है, और खासकर अक्सर जो लोग हाल रोड जाते हैं ना, तो जो पठान वहाँ बैठे होते हैं ना लैपटॉप लेकर, उनके शिकंजे में आ जाते हैं। तो आपको अगर वो फ्री भी चीज़ दे तो वो आपने नहीं लेनी, क्योंकि वो स्कैम होता है, ठीक है। अच्छा जी, वीडियो की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया, तो हर चीज़ इस वीडियो में एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुश्किल है कि लोग लंबी वीडियोस नहीं देखते, वो छोड़कर भाग जाते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैंने आपको जैसे बोला कि मैं लैपटॉप के टॉपिक्स पर वीडियोस मेक करूंगा, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।